हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो ईमेल के रिगार्डिंग है। लास्ट क्लास में भी हमने ईमेल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन किया था और हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम ईमेल राइट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम फिर से एक क्वेश्चन लेंगे ईमेल राइट करने के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन जो हमारा होगा वो इस प्रकार से होगा। सपोज करो आपकी एक फर्नीचर की शॉप है, आपकी कोई फर्नीचर की शॉप है और आपने किसी स्कूल में जो फर्नीचर है वो दिया था, तो उसका पेमेंट आपका भी बकाया था, स्कूल की तरफ से आपको पेमेंट मिला नहीं, तो उसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एक ईमेल राइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट करेंगे और उसके बाद में हम ईमेल ड्राफ्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नोट करेंगे। सबसे पहले सपोज यू आर द ऑनर ऑफ द न्यू अजंता फर्नीचर। न्यू अजंता फर्नीचर सूरत। यू हैव सप्लाइड सम फर्नीचर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केकड़ी। सेंड एन ईमेल to the principal requesting him to send the payment of the furniture ऑफ द फर्नीचर। इस ईमेल एड्रेस इज प्रिंसिपल जीएसएस gmail.com। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। सपोज यू आर द ऑनर, ऑनर मीन्स मालिक है, ऑफ द न्यू अजंता फर्नीचर। इसके न्यू अजंता फर्नीचर सूरतपुर के आप क्या है, दुकान के मालिक है, शॉप के मालिक है। यू हैव सप्लाइड, आपने सप्लाई किया था, आपूर्ति किया था सम फर्नीचर, कुछ फर्नीचर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केकड़ी को। किसको सप्लाई किया था आपने? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केकड़ी को। सेंड एन ईमेल, आपको एक ईमेल लिखना है कि किसको लिखना है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए टू सेंड द पेमेंट। किस चीज के रिगार्डिंग आपका यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू सेंड द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर। फर्नीचर का पेमेंट सेंड करने के रिगार्डिंग आपको उनको एक ईमेल
राइट करना है। हिज ईमेल एड्रेस इज, और उनका जो ईमेल का एड्रेस है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उनका जो ईमेल एड्रेस है वो क्या है, प्रिंसिपल gsskd@gmail.com, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। और सपोज करो नहीं भी दिया हुआ हो तो आप बना करके लिख सकते हैं, जैसे @gmail.com तो आप लिख सकते हैं, उसके पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल और उस स्कूल का नेम लिख दो, ठीक है, और उसके बाद में @gmail.com ऐसा जो है आप एड्रेस उसमें बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में कितना लिखा आपने, सबसे पहले ईमेल, ठीक है, ईमेल, उसके बाद में आपने पासवर्ड बनाया, पासवर्ड के अंदर आपने एक लाइन कह दी, दूसरी लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन आप बाद में कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है सपोज करो अगर बड़ा है तो वो फिर उसमें नहीं आ पाएगा, इसलिए आप चाहो तो उसको बाद में भी बना सकते हो। ये हो गया, इसमें सबसे पहले टू, उसके बाद में सीसी, फिर बीसीसी, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। ये आपका परफॉर्मा हो गया, क्लियर। अब इसके बाद में सबसे पहले टू, टू में हम क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और ईमेल एड्रेस हमें दिया गया था क्या, प्रिंसिपल gsskd@gmail.com, तो उसे हम यहां पर लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि ये जो लेटर्स है इनके बीच में हमें गैप नहीं रखना है, क्या हो जाएगा, और स्मॉल लेटर से हम लिखेंगे, प्रिंसिपल gsskd@gmail.com, ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया। सीसी में आपको कुछ कुछ नहीं लिखना है, बीसीसी में आपको कुछ नहीं लिखना है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में हम किस चीज के रिगार्डिंग ईमेल राइट कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम यहां पर लिखेंगे। तो किस चीज के लिए कर रहे थे, हम पेमेंट लेने के लिए, यानी कि जो फर्नीचर का पेमेंट बकाया था उस पेमेंट को वापस लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ईमेल राइट कर रहे हैं। तो ये तो प्रिंसिपल का एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस, यहां पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट फॉर सेंडिंग, इसमें हम गैप दे सकते हैं वर्ड्स के बीच में, लेकिन इनमें नहीं देंगे, फॉर सेंडिंग, फॉर सेंडिंग द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर, फॉर सेंडिंग द पेमेंट ऑफ द फर्नीचर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे नीचे से, यहां से क्या लिखेंगे, सर, सर लास्ट मंथ, पिछले महीने, सर लास्ट मंथ, सर पिछले महीने आवर फर्म हैड सप्लाइड, सर लास्ट मंथ आवर फर्म हैड सप्लाइड फर्नीचर टू योर स्कूल, फर्नीचर टू योर स्कूल, योर स्कूल, बट द पेमेंट्स
बट द पेमेंट बट द पेमेंट इज ड्यू टी डेट ड्यू टी डेट ठीक है सीमान लास्ट महीने पिछले महीने ओवर पर हमारी जो फर्म है हमारी जो संस्था है सप्लाई की थी आपको की थी फर्नीचर की टू या टू आपके स्कूल में बात लेकिन द पेमेंट के उसका जो पेमेंट है इस ड्यू बकाया है टिल डेट यानी आज तक सो आई रिक्वेस्ट यू अब यहां पर ये कंप्लीट हो गया अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे अब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू सो आई रिक्वेस्ट यू सो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द पेमेंट टू मेक द पेमेंट एज सून एज पॉसिबल फिर नीचे लिखेंगे आप थैंकिंग यू योर सक्सेसफुली अब इसने नेम नहीं किया हुआ था आपने कितना बताया था कि आप क्या है ऑनर है मालिक है न्यू अजंता फर्नीचर के तो यहां पर नेम आप कोई सा भी ले सकते हैं जैसे देव कुमार को नहीं है ना ऑनर है न्यू अजंता फर्नीचर के और ये इस प्रकार से आपका जो ईमेल है वो कंप्लीट होता है सबसे पहले ईमेल एड्रेस टू में क्या लिखेंगे हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे सी को और बीसीसी को हम छोड़ देंगे सब्जेक्ट में हम जिस भी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको ईमेल राइट करना है तो वो सब्जेक्ट आपको लिखना है इसके अंदर जैसे पेमेंट के लिए हमें ये ईमेल राइट करना था फिर सर और फिर आप उसमें इसमें आप अपनी बात बताओगे क्या मैसेज आप दे रहे हो तो इसमें आपने बताया कि पिछले महीने हमारी जो संस्था है फर्म है उसने आपूर्ति की कुछ फर्नीचर की आपके स्कूल में लेकिन उसका जो पेमेंट है इस ड्यू को बकाया है लेट आज तक तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट मेरा आपसे निवेदन है टू मेक द पेमेंट एज सून एज पॉसिबल मीन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसका पेमेंट कर दीजिए फिर उसके बाद लीजिए थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उसके बाद में नेम लिखेंगे देव कुमार फिर ऑनर न्यू अजंता फर्नीचर न्यू अजंता फर्नीचर ये कौन है मालिक है कौन देव कुमार तो इस प्रकार से ये आपका जो है ईमेल कंप्लीट होता है तो आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न वही है सेम लेटर की जैसे लेटर में क्या करते थे लेटर में हम यहाँ पर फॉर्मल लेटर में हम क्या करते थे सब्जेक्ट लिखते थे सब्जेक्ट उसमें भी लिखते थे बस क्या अंतर क्या था कि यहाँ पर एड्रेस आता था इसके ऊपर किसका एक तो जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आता था एक लेटर के अंदर के नीचे उसमें जो लेटर प्राप्त करने वाला है उसका एड्रेस आता था और फिर उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता था बाकी मैटर तो उसमें भी वैसे आता था तो ईमेल में और लेटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ वो क्या है ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक में यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल में विद्युत के माध्यम से जो डाक जाती है हमारी वो होती है हमारी ईमेल और जो बाय हैंड जो लेटर जाता है बाय हैंड जो हमारा मैसेज जाता है वो क्या होता है हमारा लेटर होता है तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे